जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। निखिल दोड़ी फिटनेस में आप सबका स्वागत है। आज जैसे कि 5 जून है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, और बहुत नसीब की बात है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन ही मेरा बर्थडे है। तो आज मैं कुछ स्पेशल करने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अभी एक नर्सरी में पेड़ खरीदने। मैं, प्रिंस और चेतन भाई, हम लोग तीनों भी निकल रहे हैं। बाय रोड गोलोड में एक बहुत ही बड़ी नर्सरी है, वहाँ पे हर एक टाइप के पेड़ पौधे मिलेंगे, मैंने भी सुना है। तो आज अपनी आंखों से देखने भी जा रहा हूँ। तो चलिए इस नेक कदम में आप भी मेरा साथ दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी आप जैसे कि देख सकते हो, हम हमारे रूट पे, ये हमारा दहाड़ है। तो अभी आगे का जो वीडियो है हमारे चेतन भाई कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं ड्राइव करते टाइम मोबाइल यूज करना अच्छी बात नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं दहाड़ से, तो आपको ये रूट से मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को ये नजीक पड़ता है। दहाड़ से होके हम लोग कोस्टल हाईवे जाएंगे, फिर कोस्टल हाईवे से सीधा पकड़ के हम लोग गोलर पहुंच जाएंगे। पेड़ लगाना अच्छी बात है, पेड़ लगाने से अपना क्या बात किया है। मेरा भाई पहली बार ब्लॉगिंग कर रहे हैं, देखो कैसे ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आज क्या करना चाहिए प्रिंस हम लोग को? आज हम लोग पेड़ लगाएंगे निखिल भैया के बर्थडे के दिन। बस आज के दिन ही, निखिल भाई के बर्थडे के दिन ही, बाकी दिन देखते हैं ना यार। करो, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे सारे दोस्त व्लॉगिंग करें। व्लॉगिंग करना बहुत अच्छी बात है। जो कंटेंट है लाओ लोगों के सामने, लोग पसंद करेंगे, एक ना एक दिन उनको जरूर पसंद आएगा। बस एक चीज जरूरी है, जो है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, क्वालिटी लाओ आपके वीडियो में, तो लोग ज्यादा पसंद करेंगे। ये है गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर, द वन वे। इस रास्ते से काफी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ से मैं कॉलेज आया जाया करता था। पूरा आजू बाजू पेड़ है रोड के, क्या व्यू है, इसको बोलते हैं नेचर। हमारा उम्र का भी कुछ सालों पहले वैसा ही, काटने के बाद एक पेड़ वहाँ पे लगाया नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मेरी अपील है कि उमरगांव की पब्लिक, की आप सब आइए मिलके, हम आजू बाजू पेड़ लगाना है हमको, पूरे उमरगांव के मेन रोड पे हमको पेड़ लगाना है। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो तो एटलीस्ट बोलेंगे कि हाँ, ये है हमारा उमरगांव, ब्यूटीफुल उमरगांव। कुछ दिनों बाद मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ ट्री प्लांटेशन का, तो जितने भी उमरगांव की पब्लिक है, प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलके उमरगांव को एक हरा भरा उमरगांव बनाएंगे फिर से। देख सकते हो यहाँ पे नारलीपाड़ा का बोर्ड मारा हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ से लेफ्ट मार के सीधा सीधा जाना है, ये रास्ता जाएगा आपके नर्सरी लेके जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हम पहुंच गए एम नर्सरी। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम हमारे लोकेशन पे पहुंच गए, और आप देख सकते हो ये पूरा ग्रास का लॉन पड़ा है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पीछे मेरे देख सकते हो, हर एक टाइप का आपको पेड़ मिलेगा। घर को सजाने के लिए सब कुछ है यहाँ पे, और यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं। फूल, डेकोरेटिव प्लांट्स, या जो बोले वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। आपके घर के लिए, आपको डेकोरेशन के लिए चाहिए, तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है। वाव, ऑसम। ये देखो फूल है, मैंगो की हर एक वैरायटी आपको मिलेगी। देखो ना कितना मस्त लग रहा है, यहाँ पे हर एक टाइप के प्लांट्स मिल रहे हैं, स्पेशली आपके घर के लिए। आपको अगर कुछ लेके जाना है तो यहाँ से आप लेके जाइए सजाने के लिए। पूरा इन्होंने पूरा ऊपर नेट बांधा है, नेट के अंदर पूरा ये सब प्लांट्स उगाए हुए हैं, और काफी अच्छी तरीके से पूरा देखभाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मैं भी थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और मेरे साथ साथ में आप भी एक्सप्लोर कीजिए, और देखते हो कितना बड़ा ये नर्सरी है, कितने टाइप के पेड़ पौधे सब कुछ यहाँ पे बहुत सारे। मुझे तो ऐसा लग रहा है स्पेशली मुझे अभी खाली यहाँ पे एक दिन आने पड़ेगा, और स्पेशल एक नर्सरी का, एम नर्सरी का पूरा वीडियो बनाने पड़ेगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, इस मेरे वीडियोस पे 10K प्लस व्यूज आते हैं, तो मैं 100% ये पूरी नर्सरी का अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिएगा, जितना हो सके उतना ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार एक लाल जामुन का पेड़ यहाँ से लेके जाऊँ और लगाऊँ, क्योंकि वो काफी हरा भरा होता है और फ्रूट्स भी देंगे, तो दोनों तरीके से काम आएगा। ऐसी ऐसी वैरायटी आपको देखने मिलेगी कि जिनका नाम ना मैंने सुना है ना आपने भी कभी सुना होगा, हर एक टाइप का आपको मिलेगा। कोई फ्रूट लगा हुआ है, आप देख सकते हो, देखो ये कौन सा फ्रूट है क्या पता, आई थिंक नहीं, आई कांट थिंक, मुझे पता ही नहीं है फ्रेंड्स। तो आप प्लीज कमेंट में बताइए ये कौन सा फ्रूट है। यहाँ पे जो एक काका है जो काम करते हैं, थोड़ा आपको उनके पास लेके चलते हैं। काका, लाल जामुन जो है, मैंने लाल जामुन जो है ना, जो काका को हमने पूछा, उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पे दो टाइप के लाल जामुन है, एक हाइब्रिड वाला है, जो तो मैं वो हाइब्रिड वाला तो नहीं, मैं अपना देसी वाला लेके जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जामू आप देख सकते हो, जो जामू का है ये देखो, हिरवा लांबा जामू, मतलब ये ग्रीन वाले जामू है, और जमाइकन जामू,
मालदीव जाम्बू, मिनिएचर जाम्बू, यहाँ पे देखो पिंक जाम्बू। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, यहाँ पे अलग अलग टाइप की इतनी वैरायटी होगी जामुन की, बहुत सारा है, ग्रीन, पिंक, रेड, व्हाइट, लेकिन जो हम सोच के आए थे लाल जामुन वही हम लेके जाएंगे। लाल जामुन यहाँ पे चेतन को दिख गए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमको हमारा मिल गया है लाल जामुन, ये देख सकते हो यहाँ पे देखो बोर्ड लगा हुआ है लाल जामुन का। तो यहाँ पे जितने भी है उस पे ऐसा बोर्ड भी लगा है और टैग भी लगा हुआ है, उससे ये होता है कि हमको ढूंढने में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा पेड़ लेके हो गया है, तो हमने दो नीम लिए, एक बोर लिया और एक जामुन लिया। तो अभी हम लोग फटाफट जाते हैं घर पे, आपको भी लेके चलते हैं, आगे हमको बहुत काम है। अभी वो जो पेड़ हमने लिया उसको आज जाके हमको लगाना भी है। तो फ्रेंड्स बने रहिए व्लॉग में, अभी सीधा हम मिलेंगे हमारे घर पे जब हम ट्री प्लांटेशन स्टार्ट करेंगे। ये जो लोकेशन है बैकयार्ड में मेरे, जैसे देख सकते हो मेरे पीछे पूरा एकदम जंगल झाड़ी है, तो ये पूरा अभी हम लोग क्लियर करेंगे। आप ब्लॉग में बने रहना, हम लोग फटाफट से अभी क्लियर करके फिर हमारा ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, तो स्टे ट्यून। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग सब लोग, कितना अभी जंगल झाड़ी था पूरा क्लियर कर रहे हैं हम लोग, क्लियर करते करते आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो देखो कितना मेहनती आदमी है, चश्मा पहन के एकदम कर रहा है। हमने क्लियर कर दिया पूरा, ये देखो एकदम क्लीन हो गया पूरा। देखो कितना पसीना निकल रहा है आप देख सकते हो मेरे फेस पे, वो देखो 400 दिहाड़ी पे उसको लेके आया हूँ मैं। से एक ही आलसी आदमी है, आप लोगों को पता होगा इधर कौन है, कमेंट में मुझे जरूर बताइए सबसे आलसी आदमी हम लोग इतने सारे जन में कौन दिख रहा है सबसे आलसी आदमी, देख सकते हो ये है मिस्टर मौर्या, इट्स प्रिंस फ्लिपर, मिस्टर चेतन पटेल, सुबु और मिस्टर बोका, सॉरी बद्री। तो कमेंट में बताइए कौन सबसे आलसी लग रहा है आपको। फ्रेंड्स हमने खड्डा कर दिया आप देख सकते हो, ये देखो जो हमको लेवल चाहिए था मिट्टी तक, तो मिट्टी तक अभी हम पहुंच गए हैं। अभी पहुंचने के बाद पकड़ो हम लोग सबके हेल्प से हम लोग करने जा रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। हमने हमारा प्लांट जामू का यहाँ पे लगा दिया है आप देख सकते हो। तो अभी हम लोग इसको पेड़ को थोड़ा पानी दे रहे हैं अभी स्टार्टिंग में। मेरे ख्याल से 3 से 4 साल के अंदर ये पेड़ जो है आप देख रहे हो हमने जो लगाया है जामुन का, वो हमको लाल लाल रसीलेदार एकदम जामुन देने लग जाएंगे। और ये जितने भी आप देख सकते हो ये पेड़ पे टूट पड़ने वाले भाई, मेरे को तो 100% भरोसा है, सबसे बड़ा तो यही है ये देख रहे हो आप। वो मेरे को बताना कमेंट में कौन सबसे आलसी आदमी है प्लीज। आप सभी ने जैसे देखा हमने बोला था हम पेड़ आज लगाने वाले है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन, तो हमने पेड़ लगा लिया है मेरा बर्थडे स्पेशल रेड कलर वाला जामुन। तो हो सके इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, ताकि वो लोग भी एनकरेज हो सके ये वीडियो देख के। और अपने बर्थडे पे आप हो सके तो प्लीज एक पेड़ लगाइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा काफी और इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सबसे स्पेशली बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय श्री राम, जय श्री राम।